अर्ज किया है, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियरसर में। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे टाइम एंड वर्क। वीडियो पूरी देख लीजिए, इस बात की गारंटी मेरी है कि ये वीडियो आपके अंदर टाइम एंड वर्क को लेकर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी। दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर, ऐसा क्लियर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, आज आप ही, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए मेरे साथ ध्यान से, बिल्कुल यहां पर नजर गड़ा लो बोर्ड के ऊपर। देखिए दो लड़के हैं हमारे पास, राजा भाई दो लड़के हैं हमारे पास, एक है राम और दूसरा है रहीम। बाबा राम रहीम मत समझना इसको। हाँ, तो राम जो है वो एक दिन में दो कुर्सियां बनाता है और रहीम थोड़ा सा सुस्त आदमी है, ये क्या करता है, ये एक दिन में एक ही बना पाता है। तो अगर हम सात दिन की बात करें तो ये एक दिन में दो बनाता है, तो सात दिन में कितनी बनाएगा, कितनी, ये बनाएगा 14 कुर्सियां, 7 × 14। और रहीम जो है क्योंकि एक दिन में एक ही बना पाता है तो ये सात दिन में कितनी बनाएगा, बताइए, ये सात ही बना पाएगा क्योंकि एक दिन में एक बन रही है। अब इसको देखो ध्यान से और एक बात नोट करो, क्या है इसमें वो बात नोट कर रही। देखिए यहां पर टाइम लग रहा है कम, कुर्सियां जल्दी जल्दी बन रही है ना, एक दिन में दो बन रही हैं, टाइम कम लग रहा है तो काम हो रहा है आपका ज्यादा। और यहां पर टाइम लग रहा है ज्यादा, एक दिन में एक ही बन पा रही है तो यहां पर काम हो रहा है कम, क्लियर है ना। टाइम लग रहा है कम तो काम हो रहा है ज्यादा, टाइम लग रहा है ज्यादा तो काम हो रहा है कम। तो क्या समझे आप, अजी हम ये समझे कि टाइम और वर्क ये जो होते हैं ना, ये आपस में उल्टे होते हैं, ये है पंगा। टाइम और वर्क आपस में उल्टे होते हैं, ये ध्यान आप ये चीज यहां बिठा लीजिए। क्या अगर किसी चीज को करने में क्या लग रहा है, टाइम कम लग रहा है तो वो चीज क्या होगी, वो ज्यादा बनेगी। अगर किसी काम को करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो काम कैसा होगा, वो कम हो पाएगा। कोई बहुत तेज भागता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो टाइम कम लेगा और दूर तक भाग पाएगा। कोई मोटा आदमी है तो क्या, अगर वो भागेगा तो वो टाइम ज्यादा लेगा भागने में और भाग भी कम पाएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से बिठा लीजिए अपने माइंड में, क्या कि टाइम और वर्क आपस में उल्टे होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बस ये पूरे चैप्टर का निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको, टाइम और वर्क उल्टे होते हैं, ये ध्यान रखना। पहली बात ध्यान रखने की ये है। अब दूसरी बात एक और है इसमें, वो क्या है, कुछ सवाल इस टाइप के भी आते हैं कि मान लीजिए दो हैं कोई आदमी ए और बी, ए जो है उसकी एफिशिएंसी दुगनी है बी के मुकाबले। एफिशिएंसी माने उनकी काम करने की क्षमता, मतलब अगर बी एक कुर्सी बना पा रहा है तो ए दो बना लेता है। इसका मतलब यह हुआ ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो क्षमता है काम करने की, स्पीड है वो तेज है, दुगनी है। तो हम इसको 1/2 से दिखा सकते हैं। अब ये समझिए अगर इनकी स्पीड जो है वो दुगनी है, एफिशिएंसी दुगनी है, तो टाइम कितना लगेगा। अगर ये एक बना पा रहा है तो इसको लगेगा दो टाइम, और अगर ये दो बना पा रहा है तो इसको लगेगा एक टाइम। मतलब टाइम जो है इसको कम लगेगा इसके मुकाबले, क्यों, क्योंकि ये बना भी तो तेज रहा है ना। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, क्या कि एफिशिएंसी और टाइम भी उल्टे होते हैं। क्षमता काम करने की, एफिशिएंसी और टाइम, ये भी आपस में उल्टे होते हैं। कोई ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत स्पीड से काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको टाइम भी तो कम ही लगेगा ना। और अगर कोई कम एफिशिएंस है, सुस्त है, आराम आराम से काम कर रहा है, तो उसको यार टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो क्लियर है दूसरी बात, क्या कि एफिशिएंसी, टाइम, क्षमता और टाइम भी आपस में कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहां से हम ये सीख सकते हैं कि मान लीजिए बी जो है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, 15 days, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में इसका काम होगा 1/15, तो ये इसका वर्क होगा, क्योंकि हमें पता है टाइम और वर्क उल्टे होते हैं। जब 15 दिन टाइम लगा तो काम कितना हो, 1/15 उल्टा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई सी है वो क्या करता है, 10 दिन में काम पूरा कर लेता है, या फिर उसका जो काम है वो 10 है, ठीक है, तो वो कितना टाइम लगेगा, वो लगाएगा 1/10, तो ये उल्टा चलेगा। बस इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अब आपने सीख लिया ये, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, धड़ल्ले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक के बाद एक बहुत सारे। तो दोस्तों क्वेश्चंस की लाइन लगने जा रही है और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होंगे, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। यहाँ पर पहला सवाल है हमारे पास, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है,
तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल लिया है ताकि आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए इस सवाल को करने के मैं दो तरीके बता रहा हूं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला तरीका क्या है, एक इसी काम को 10 दिन में पूरा करना है, इसका मतलब उसका काम कितना होगा, उसका काम होगा एक का कितना काम होगा, 1/10। अभी तो हमने पढ़ा है ना टाइम एंड वर्क उल्टा होता है, तो दिन है ये 10 तो काम कितना होगा उसका 1/10। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी इस काम को 15 दिन में कर लेता है, तो बी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, बी कर रहा होगा 1/15, टाइम एंड वर्क उल्टा होता है, ठीक है। तो यह आ गया ए का और यह आ गया बी का, बस अब हमें यह बताना है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो ए और प्लस बी दोनों का काम को आप मिला दीजिए, ए का काम जो है वो 1/10 है और बी का काम जो है वो 1/15 है। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, टाइम एंड वर्क में है ही क्या, एलसीएम ले लो यहाँ पर, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है बताइए मुझे, कितना होता है 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। एलसीएम हमने ले लिया, फिर क्या करते हैं हम, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 10 से 30 की डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा 10 3 30 और 3 एकम 3 हो जाएगा, इसी तरह से प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 15 की नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 15 2 30 2 बार कटा, 2 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 3 और 2 हो गए आपके 5/30, ये कट जाएगा 5 एकम 5 5 30 1/6 से कट गया। तो ये तो आ गया इनका काम, दोनों मिलकर 1/6 काम करेंगे और काम का उल्टा क्या होता है, दिन होता है, तो 1/6 का उल्टा क्या होगा 6, तो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। एक तरीका तो है आपका ये, आपको ये वाला आसान लगे ये वाला अप्लाई करो। दूसरा वाला बताने जा रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक भी है तो इसको भी सीख लो आप। देखिए ये बहुत सिंपल है, हमसे सवाल में कहा कि ए जो है वो एक काम को 10 दिन में कर रहा है और बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले हम इस तरह से लिखकर एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30 और फिर हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा 10 3 30 और जब हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा 15 2 30। इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख लेंगे, 3 और 2 होते हैं 5, ये दोनों का काम आ गया, दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 कुर्सियां बना रहे हैं, टोटल कुर्सियां उनको बनानी है 30, तो टोटल 30 बनानी है ना, 5 एक दिन में बना रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 5 30 तो 6 दिन आ गए उनके, 6 दिन में वो टोटल काम पूरा कर लेंगे। देखा आपने कितना आसान है, जो आपको इजी लगे ये वाला इजी लगे ये वाला फॉलो करो, ये वाला इजी लगे ये वाला फॉलो करो, आंसर गलत मत करके आना यार, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अगला सवाल आ चुका है और इसमें चेंज है, हर सवाल में चेंज होगा, तो सवाल पढ़िए यहाँ पर मेरे साथ। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल चेंज हो चुका है, यहाँ पर हमसे कहा गया कि ए और बी मिलकर तो 15 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा ये बताना है। हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, वही ट्रिक लगाएंगे, वही तरीका फॉलो करेंगे, जैसा जैसा हमसे कहा है वही वही कर लो। तो हमसे पहले बोला कि ए और बी दोनों मिलकर, ए और प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं और बी जो है ना ये अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इनका एलसीएम ले लो, 20 और 15 का एलसीएम होगा कितना, 60 होगा, 15 को अब 60 को डिवाइड करिए 15 से, तो 15 चौक 60 ये आ जाएगा और 20 से करेंगे तो 20 3 60 ये आ जाएगा। मतलब ए और बी जो है वो एक दिन में बना रहे हैं 4 कुर्सियां 4 काम कर रहे हैं और बी अकेला जो है वो एक दिन में कर रहा है कितना, 3 काम या 3 कुर्सियां बना रहा है। कुर्सियां बना रहे समझ लो, सबसे आसान तरीका है समझने का। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहे हैं और बी अकेला जो है वो सिर्फ 3 बना रहा है, तो अगर हम इन 4 में से 3 माइनस कर दे तो 1 कुर्सी आएगी। ये 1 कौन बना रहा है अकेला, ये बना रहा है ए, दोनों की मिक्स 4 थी, बी की 3 आई हैं, बी की 3 हमने हटा दी, जो बची वो 1 ही आ गई, तो ए एक दिन में 1 ही कुर्सी बना पा रहा है। टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है, 60 बनानी है, 60 कुर्सियां बनानी है, एक दिन में 1 ही बना पा रहा है। कितने दिन में बनेंगी, कोई बच्चा भी बता देगा भाई 60 ही दिन में बनेंगी, 60 दिन ही लगेंगे, तो इसका आंसर आएगा 60 डेज। ऑप्शन है इसका कौन सा, ऑप्शन ए, 60 दिन में वो कुर्सियां ए अकेला बनाएगा। बहुत ही ईजी हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ और चेंज करेंगे उसके अंदर। दोस्तों अब आ गया है एफिशिएंसी, क्षमता वाला सवाल, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, हर सवाल चेंज हो रहा है। सवाल पढ़ लो यहां पर मेरे साथ, राम रहीम से, अरे ये राम रहीम पीछा नहीं छोड़ेंगे आज हमारा,
राम रहीम से दुगनी गति से काम करता है। ठीक है, सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि राम है और रहीम है, ये दोनों है, और राम जो है ना वो रहीम से दुगनी गति से काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर रहीम बना रहा है एक कुर्सी तो राम बनाएगा कितनी कुर्सी, दो कुर्सियां। ठीक है, दुगनी गति से काम कर रहा, अगर ये दो कुर्सियां बनाएगा तो ये बनाएगा चार कुर्सियां। ये हमसे सवाल में कहा गया है अभी तक। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें तो राम अकेला उसे कितने समय में करेगा। हमसे कहा गया अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं तो राम अकेला उसको कितने दिन में करेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, अगर मजा आ जाए तो कमेंट करके मुझे बता देना। बहुत ही छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, एफिशिएंसी वाला सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, ये इनकी एफिशिएंसी हमने लिख ली जो हमें दी थी, और 12 दिन में ये काम को पूरा कर रहे हैं, या यहाँ नहीं, यहाँ करता हूँ मैं, 12 दिन में ये काम को पूरा कर रहे हैं हमसे सवाल में कहा गया है। तो करना क्या है आपको, इनके जो रेशो बनेगा मल्टीप्लाई करके उसकी प्लस तो आप लिखेंगे ऊपर, दो और एक तीन, जिसका पूछा है हमसे, पूछा गया है हमसे, पूछा है तो राम अकेला उसे कितने समय में करेगा, जिसका पूछा है उसका रेशो आप इसके नीचे लिख दो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ। तो दो छिंग 12, छह तिया 18, 18 दिन लगेंगे राम को करने में। देखा कितना आसान सवाल है, सिर्फ क्या करना है, जितने दिन है वो लिखो, दोनों की रेशो को प्लस करके ऊपर लिखो, जिसका पूछा है उसकी रेशो डिवाइड में लिख दो, सॉल्व करके आंसर ले आओ। तो राम को 18 दिन लगेंगे उस काम को अगर वो अकेला करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। ये सवाल पढ़ के मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें भगोड़ा है वो काम छोड़ के भाग गया है वो, अब काम कैसे पूरा होगा। सवाल पढ़ो मेरे साथ, यहाँ पर सवाल है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए उस काम को 18 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। अब बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, ये है, ये है, ये बी है ना, ये है भगोड़ा, भाग गया 10 दिन काम करके, पैसे नहीं दिए, पता नहीं क्या हुआ। शेष काम को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, तो हमसे पूछा है बी ने 10 दिन काम किया और वो तो भाग गया, फरार हो गया। अब जो ए बचा है वो अकेला बाकी के काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, जो कहा गया है वही करना है, कुछ अलग करना ही नहीं है। हमसे कहा गया है ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर लेता है अकेला, और बी जो है उसी काम को 15 दिन में अकेला कर लेता है ना, यही तो कहा गया है। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे, 18 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 90, 90, 90 को डिवाइड करेंगे 18 से तो 18 पंजे 90 होता है, और 90 को 15 से करेंगे तो 15 छिंग 90 होता है। तो अगर वो टोटल काम 90 है, कुर्सियां ले आइए, 90 कुर्सियां टोटल बनानी है, तो ए जो है एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है और बी जो है एक दिन में 6 कुर्सियां बनाता है। अब बी ने 10 दिन काम किया, ठीक है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया, तो जब बी एक दिन में 6 कुर्सियां बना रहा है तो 10 दिन में कितनी बनाएगा आप बताइए, 10 दिन में वो बनाएगा 60 कुर्सियां, टोटल 90 कुर्सियां बनानी थी, बी ने 10 दिन तक 60 कुर्सियां बनाई क्योंकि एक दिन में वो 6 बनाता है, तो 60 कुर्सियां बन चुकी हैं, 60 कुर्सियां कम कर दो, कितनी कुर्सियां बची, 30 कुर्सियां बची। अब बी भाग गया, बी ने अपना भगोड़ापना दिखाया और वो भाग गया। अब ये जो 30 कुर्सियां हैं इसको बनाने में ए कितना टाइम लेगा, बहुत आसान है, ए एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे ना, 5 छिंग 30, तो ए को 6 दिन लगेंगे उसको बनाने में, तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 6 दिन। किसने कहा टाइम इन वर्क हार्ड है, बहुत इजी है यार, देख लो ना आप कितने आराम से क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। अब वीडियो छोड़ के मत भागना, क्योंकि सवाल आ चुका है भाग का, जिसे छोड़कर आप एग्जाम में भाग जाते हो, तो ये वाले सवाल भी सीख लो। सवाल है, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, और सी जो है वो इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाग है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ का डर खत्म कर दूंगा आपका। देखिए क्या करना है आपको, वही करना है जो करते आ रहे हैं, ए बी सी तीन बंदे हैं। अब एक बात ये समझिए आप, ए जो है वो आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा काम जो है वो 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा,
कितने दिन में करेगा? अरे पूरा 10 दिन में ही तो करेगा, जब आधा 5 में कर रहा है तो पूरा 10 दिन में करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक काम को 10 दिन में करता है, ये कहा गया है हमसे। ठीक है, इस तरह से हम बी का निकाल लेंगे। देखिए बी का कहा गया है 3/5 / 9 दिन में निकालना है, 9 दिन में करता है, तो 9 दिन में वो 3/5 करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा? पूरे के लिए आप क्या करो, इस बटे के उल्टे से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3, यहां से उसका पूरा निकल के आ जाएगा। तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, यहां से आ गया बी उस काम को 15 दिन में करता है। बिल्कुल इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे। सी का है 2/3 / 8 दिन में करता है, तो 2/3 करता है ना, तो 3/2 कर दो, उल्टा कर दो, तो सी का ही पूरा निकल के आ जाएगा दिन, तो 2 × 8 = 4 × 3 = 12, तो इसका मतलब है सी जो है उस काम को 12 दिन में करता है। अब बिल्कुल सवाल नॉर्मल हो चुका है, जो कठिनाई थी वो पीछे छूट चुकी है। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 10, 15 और 12 का एलसीएम होता है 60, 60। अब बस डिवाइड कर देंगे हम, तो डिवाइड करते हैं, 10 × 6 = 60, 6 बार जाएगा, 15 × 4 = 60, 4 बार जाएगा, और 12 × 5 = 60 होता है, तो ये 5 बार जाएगा, डिवाइड हो चुका है। तो वही कुर्सियों से समझेंगे, टोटल कुर्सियां 60 बनानी थी। ए बनाता है 6 कुर्सियां, ये बनाता है बी 4 कुर्सियां, सी बनाता है 5 कुर्सियां, जोड़ लेंगे 6 और 4 = 10 और 5 = 15, तो ये तीनों एक दिन में 15 कुर्सियां मिलकर बना पाते हैं। बनानी कितनी है? टोटल 60 कुर्सियां, एक दिन में 15 बना रहे हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 15 × 60, तो वो तीनों मिलकर 4 दिन लगाएंगे और सारा काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 4 दिन। देखा आपने कितना आसान है। एक सवाल और लेते हैं कुछ और चेंज के साथ। तो दोस्तों आइए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का चैप्टर का नहीं, चैप्टर चलेगा, पार्ट्स आएंगे, और आने वाले पार्ट्स में तो मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं, बिना इसके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ जी, मार्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी जरा सी भी। तो आइए अभी ये सवाल समझते हैं हम। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, ए है वो किसी भी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। ए की तुलना में, मतलब ए के कंपैरिजन में बी जो है वो 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब वो बी जो है वो 60% ज्यादा मेहनती एफिशिएंट है। चलो कोई तो मेहनती आया, वरना तो भगोड़े थे सारे। अब क्या है, उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, तो हमें बताना है बी का समय, बी कितना टाइम लेगा उसी काम को करने में, जिस काम को ए जो है वो 12 दिन में कर रहा है, लेकिन बी उससे 60% ज्यादा कार्य कुशल है। तो देखिए क्या करना है आपको, ए उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो ए का काम कितना होगा पर डे का, ए का काम होगा 1/12, यही तो पढ़ा है ना हमने, टाइम और वर्क उल्टा होता है। तो जब वो 12 दिन ले रहा है, 12 डेज ले रहा है, तो काम कितना होगा उसका, ए का 1/12 होगा। अब इस काम का बी 60% क्या है, कार्य कुशल है, मोर एफिशिएंट है इस काम से, मतलब ए जो 1/12 काम कर रहा है ना, बी इससे 60% ज्यादा काम करता है। तो बी कितना काम करता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 160, 100 में जितना वो इफेक्टिव है, क्योंकि 100% तो ये खुद भी कर रहा है ना, लेकिन बी 60% ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 160 करेंगे, 100% उसका पूरा ए का, और 60% बी ज्यादा है, तो 160, और परसेंट के लिए हम लगा देंगे नीचे यहाँ पर 100, क्योंकि परसेंट में दिया हमने 60%, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने 0 से 0 उड़ा दी, और 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो ऊपर बचा हमारा 4 और नीचे बचा 3 और 10, तो ये हो गया आपका 30, 3 × 30, तो ये आ गया आपका बी का क्या निकल कर, बी का काम निकल के, ठीक है, काम, क्योंकि हमने काम से निकाला, ये ए का काम था, उससे बी का इतना परसेंट ज्यादा इफेक्टिव था, तो ये बी का काम आ गया 4/30, लेकिन हमें तो बी का समय निकालना है, बी कितना समय लेगा, तो क्या करें, अरे उल्टा कर दो ना, यही तो पढ़ते आ रहे हैं भी हम सुबह से, क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं, टाइम और वर्क उल्टा होता है, टाइम और वर्क उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो, ये इसका बी का वर्क निकला है, इसका उल्टा कर दो तो उसका टाइम निकल के आ जाएगा, तो 4/30 का उल्टा हो जाएगा 30/4, और इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 4 × 7 = 28, बचेगा 2, पॉइंट लाके उतारेंगे 4 × 5 = 20, 7.5, यह आ गया आंसर। अरे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में है यार ये रहा ना, 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है 7.5, तो बी को उस काम को करने में 7.5 दिन लगेंगे। तो ये वीडियो हम यहाँ पर रोकते हैं, इसको शेयर कर देना, और लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना कि टाइम एंड वर्क आपको समझ में आया है या नहीं आया, और पार्ट्स आएंगे और वीडियोस आएंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, बहुत जल्दी कर लो, और कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, ठीक है, पार्ट चाहिए नहीं चाहिए, वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं चाहिए, होमवर्क भी तो है आपके लिए। हाँ होमवर्क यहाँ पर आपके लिए आ चुका है, होमवर्क भूल गया था मैं, होमवर्क आ गया आपका यहाँ पर, होमवर्क के आंसर मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए वरना पिटाई हो जाएगी। हाँ।